हम देख रहे हैं मिली नदियों से रिलेटेड 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और एग्जाम में पूरी चांसेस है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे देखेंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। ए ऑप्शन हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दो का हमारा ऑप्शन सही होता है, सी मेघना। क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? अगर हमें सुन पा रहे हैं तो जल्दी से बताइएगा। ओके, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लें, एक सेकेंड। ओके 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 ओके। सभी से गुड मॉर्निंग, सभी से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे हम फास्ट रिवीजन के तौर पे देखेंगे और ऑप्शन हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है? जो सही है वो बताते चल रहे हैं, जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर तीन का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। और आप लोग अपना स्कोर करते चलिएगा। ये रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो चार का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, क्वेश्चन नंबर चार का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है? तो पांच का हमारा ऑप्शन सही होता है, पांच का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पांच का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर छह की तरफ। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर छह का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, उत्तराखंड और तिब्बत में। छह का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर सात की तरफ चलते हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर सात का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 2,900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर आठ, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? क्वेश्चन नंबर आठ का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, इनमें से सभी का। क्वेश्चन नंबर नौ, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है कौन सी? क्वेश्चन नंबर नौ का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो 10 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, बेतवा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। तो 11 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, कोसी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सी हिमालय नदी से परे की नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो 12 का हमारा ऑप्शन सही होता है, 12 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, सतलज। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, यमुना। आप लोग अपना स्कोर करते चलिएगा, खुद को चेक करते रहिए कितना आप लोगों ने तैयार किया है, ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमने नहीं पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, महानदी। उड़ीसा का शोक, बिहार का शोक दोनों अलग अलग थे। नेक्स्ट है, इंदौर के पास स्थित जनापाव पहाड़ी का पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, चंबल नदी का। पूरे 70 क्वेश्चन देखने, थोड़ा सा फास्ट नहीं चलेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, लूनी नदी। मरुस्थल में पाई जाती है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रवाह का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 19, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, ब्रह्मगिरी। पहाड़ियों से ये निकलती है कावेरी नदी, गिरती है कहाँ पर गिरती है? क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 21, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? 21 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 21 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, कर्नाटक और तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण भारत की दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो 22 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 22 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, कावेरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो 23 का हमारा ऑप्शन सही होता है महाबलेश्वर। 24 पे आ जाते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो 29 का हमारा ऑप्शन सही होता है, एक मिनट, 28 कंप्लीट हुआ, ये 28 नहीं है, 23 के बाद अब डायरेक्ट इस पे आए, 29 आ गया।
29 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, ब्रह्मपुत्र। 29 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, 30। कौन सी नदी अंशद्रोणी से होकर बहती है? तो 30 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, नर्मदा। नेक्स्ट चलते हैं 31। ठीक है, आज ये 31। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया गया है किसके द्वारा? 31 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, कोसी नदी। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां, इसीलिए इसे कहाँ का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को, अभी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। 22 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी। अरे 32 है, 32। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी जो एक विवृत घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो 33 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, नर्मदा। 34। निम्न भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? तो 34 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है क्या? तो 36 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 37। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो 37 का हमारा ऑप्शन सही होता है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपान से नहीं निकलती? तो 38 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, यमुना। नेक्स्ट चलते हैं 39 की तरफ। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो 39 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हमने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने रिप्लाई भी खूब अच्छे से किया था। 40 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, आप लोग यहाँ पे अपना उत्तर सही भी कर लीजिए, गोमती नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर बसा नहीं है? तो यहाँ पे हमारा 41 का ऑप्शन सही होता है सी, भोपाल, विकल्प के अकॉर्डिंग। 42, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। 42 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है सी, कानपुर। नेक्स्ट आ जाते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो 43 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44। स्टील सिटी राउल किला किस नदी के किनारे स्थित है? 44 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, ब्राह्मणी नदी के तट के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो 45 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा सी, सरयू नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? 46, 46 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, तिरुचिरापल्ली। 47, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो 47 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, अहमदाबाद। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा ना। 48, पणजी गोवा किस नदी पर स्थित है? तो 48 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, मांडवी, एक ही नदी है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। 49 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो 50 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, खम्मम। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? 51 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, झेलम। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो 52 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, तापी नदी के तट पर। नेक्स्ट आ जाते हैं 53। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? 53 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्षिप्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? 54 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, स्वर्णरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा, जितना फास्ट हम पढ़ा रहे हैं उतना फास्ट आप लोग लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। 54 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। 55, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? 55 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, भागीरथी व भीलंगना, भीलंगना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? 56, ऑप्शन हमारा सही होता है सी, ओडिशा। ठीक है, आ जाते हैं 57। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? 57 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, ओडिशा। 58, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है?
58 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 58। ओके आ जाइए आप लोग 58 की तरफ। 58 का हमारा ऑप्शन सही होता है। हाँ ठीक है, बेतवा। वेरी गुड। 58 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए बेतवा। बेतूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हमारा 59 का सही होता है सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 60, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। 60 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। 61, अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? 61 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, कृष्णा नदी के तट पर। कृष्णा नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध। 61 होता है कंप्लीट, 62 की तरफ। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो 62 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, महानदी पर। क्लियर है? नेक्स्ट 63, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर निर्मित है? तो 63 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, चंबल नदी पर। 64, मैथन, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो 64 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, बराकर। 65, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 65 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, घाट प्रभा। बाद में जब वीडियो आप देखेंगे ना तो सही स्पीड गड़बड़ नहीं लगे, क्योंकि लास्ट टाइम में है तो बहुत फास्ट रिवीजन चाहिए आप लोगों को ना, तो बहुत स्लो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो 65 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, घाट प्रभा। 66, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापारा, चलिए थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, तो ऑप्शन हमारा सही होता है ताप्ती। नेक्स्ट आ जाते हैं 67, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर? 67 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट आ जाते हैं 68, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? 68 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, नर्मदा नदी से। 69, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? 69 पे आ जाइए आप लोग। 69 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, उत्तराखंड। 70, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? ब्यास, चिनाव, रावी, सतलज। तो 70 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, चिनाव। ठीक है, रिवीजन है भाई, रिवीजन है। तो ठीक है, ये होता है कंप्लीट आपका, और आप लोग अपना जरूर स्कोर बताइएगा कितने आपके सही हुए हैं, क्योंकि इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको पहली बार मिला है, सब कुछ रिवीजन हो रहा है, फास्ट रिवीजन के तौर पे आप लोग देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को स्लो देखना तो इससे पहले का हमारे वीडियो देख सकते हैं आप लोग। आज का सवाल आप सभी के लिए, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी। सॉरी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिएगा नीचे। ठीक है, तो तुरंत रिप्लाई कीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस पे रिवीजन, क्या कुछ मैटर चाहिए लास्ट मोमेंट पे, जिससे कि हम उस पे मतलब पूरा कर सकें, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ध्यान दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टाइम बहुत कम है, और बिल्कुल भी इधर उधर लापरवाही नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है, और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तक आप आराम से पढ़ते रहेंगे, सिलेबस नहीं पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को, और आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिए हमेशा की तरह। शताब्दी बहुत फास्ट हो गया, अगर बहुत फास्ट हो गया ना, थोड़ी सी स्लो स्पीड में करके आप लोग चेक कर लीजिएगा।